नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं चेम्बरलैन के ग्रहाणु सिद्धांत। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझ ली हैं, उनको बड़े विस्तार से समझा है, और समझने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कंपेयर करते हुए चीजें लगातार चलना, इसलिए एक एक चीज को फिर से मैं रिमाइंड कराता हूं कि अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं और आगे हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा। हम लोगों ने अपनी क्लास में महाविस्फोट का सिद्धांत पढ़ा है, जो हम लोगों का टॉपिक रहा अभी तक का, उस टॉपिक को हम लोगों ने यहां पर कवर किया। पहला महाविस्फोट का सिद्धांत, विस्फोट का सिद्धांत यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया और इससे रिलेटेड थ्योरी जो मानी गई वो ये कहा गया कि यह सिद्धांत आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा चीजें। गौरव जी नमस्कार, विकास जी गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक, ये मोस्ट वैल्यूबल आपका सिद्धांत। दूसरा हम लोगों ने कांट और लाप्लास का प्लास का गैसीय सिद्धांत पढ़ लिया, गैसीय सिद्धांत। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में यहां पर अंतर भी आएगा। यहां पर कई बार आप लोगों को देखना होगा कि आपके महा विस्फोट का सिद्धांत के कौन कौन से गुण आप लोगों को यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। कांट और लाप्लास के गैसीय सिद्धांत में कौन सी समानताएं मिल रही है, जो मैंने महाविस्फोट में स्केल बनाई थी क्या उससे चीजें यहां पर मिल रही, ये काम आप लोगों का है, इसको थोड़ा सा आप लोग भी करते हुए चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। आज जो हम लोगों का सिद्धांत है वो चेम्बरलैन और मोल्टन का सिद्धांत, मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, चेम्बरलैन और मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, ग्रहाणु सिद्धांत जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आज का हम लोगों का है, आप लोग अभी तक थंबनेल भी देख चुके होंगे, सभी लोग अपडेट भी हो चुके होंगे। इस सिद्धांत को आज हम लोगों को विस्तार से समझना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। मैं वही सिद्धांत को आप लोगों को अभी समझा रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपके महाविस्फोट सिद्धांत की थ्योरी को बेहतर और सही बताने का प्रयास किया गया है, जो बहुत पहले बताई गई चीजें हैं, जो वर्तमान समय में महाविस्फोट को जो मान्यता मिली उस मान्यता के आधार पर ये सिद्धांतों ने व्याख्या पहले की हुई थी और उसके आधार पर आपके महाविस्फोट के लक्षण प्राप्त होते हैं। तो यहां पर आप लोगों को कंपेयर करना होगा कि कहां से कौन सी चीजें आप लोगों के साथ जुड़ रही हैं, वो महत्वपूर्ण हैं आप लोगों की, उनको भी आप लोगों को देखना। देखिए एक गुजरता हुआ तारा, तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि यहां पर आपका जो सूर्य है ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है और ये यहां पर देखें तो ये दूसरा आपका तारा है। स्टेप में समझिएगा इसको, हम लोग बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले मैं इसका नाम देता हूं, ये सूर्य है आपका, ये सूर्य, ये कोई तारा है, ये कोई तारा है, ठीक, ये तारा और ये सूर्य दोनों भाई भाई। अब यहां पर ये देखिए सूर्य का अपना एक गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा, कॉमन सी बात है, और इस तारे का भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, इसका भी एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा।
कॉमन सी बात है, दोनों के अपने अपने ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। अब आकार के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकता है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा या इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। ठीक, अभी हम लोगों को यह पता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण होगा अपना और इसका अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। यदि इन दोनों के बीच में हम लोग देखें तो बात क्या कह रहे हैं, आपकी चेंबरलेन और मोल्टन इसमें बात कह रहे हैं कि सूर्य एक जगह पर था और घूमता हुआ तारा इसके बगल से गुजरा। ठीक, अब मान ले कि यहां पर ये आपका सूर्य यहां पर था और ये घूमता हुआ तारा यहां पर आप देखेंगे तो ये घूमता हुआ तारा इसके बगल से गुजरा ऐसे। इसको समझने का प्रयास करिएगा, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक घूमता हुआ तारा सूर्य के बगल से गुजरा। तो यहां पर ये तारे देख रहे हैं, ये जो तारा आप लोगों को यहां पर दिख रहा है ये घूमता हुआ तारा सूर्य के बगल से गुजर रहा है। क्या है ये? सूर्य है, सूर्य है और ये घूमता हुआ तारा, मतलब इन्हें हम ये कह सकते हैं ये घुमक्कर तारे हैं जो सूर्य के बगल से होकर जा रहे। तो ये घूमता हुआ तारा है, घूमता हुआ तारा, क्लियर, जो सूर्य के बगल से गुजर रहा है, जो कि सूर्य के बगल से गुजर रहा है ना। आप लोगों को स्पष्ट समझ में भी आ रहा होगा ये सूर्य के बगल से गुजर रहा है। ठीक, अब जब ये सूर्य के बगल से गुजरे, पहली तो कंडीशन ये सूर्य के बगल से गुजर रहा है, जब ये सूर्य के बगल से गुजरेगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के एक दूसरे के साथ लगेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सूर्य का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और स्टार का अपना गुरुत्वाकर्षण बल। जब ये बगल से गुजरकर आपके यहां से गुजरकर ये निकलेगा तो निश्चित रूप से इसका गुरुत्वाकर्षण होगा। कर्षण बल होगा और इस तारे का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होगा। कर्षण बल होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करने का प्रयास करेंगे, दोनों में एक आकर्षण शक्ति होगी, आकर्षण शक्ति होगी, शक्ति होगी और इसके पास भी एक अपनी आकर्षण शक्ति होगी, शक्ति होगी। भाई जैसे आप लोग बारात वरात में जाते हैं, शादी वादी में जाते हैं तो बड़ी सुंदर सी कन्या दिखी, सुंदर सा पुरुष दिखा तो आप लोग अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास कि ये मेरे झांसे में आ जाए, ये मेरे झांसे में आ जाए, है ना। दोनों लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास, मतलब सुंदरता हर एक को आकर्षित। ठीक, तो वो किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल उसका भी कार्य कर रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपका भी कार्य कर रहा होगा। सेम चीज यहां पर भी होगी, यहां पर सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है और यहां पर स्टार का भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। और जब ये जब दो तारों के बीच की बात हो या ग्रहों के बीच की बात हो या उपग्रहों के बीच की बात होती है तो यहां पर एक ज्वारीय बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इन दोनों के मध्य एक ज्वारीय बल उत्पन्न होगा। इन दोनों के मध्य की जब बात की जाएगी तो इन तारों के मध्य चेंबरलेन और मोल्टन ये कहते हैं कि इन दोनों के मध्य एक ज्वारीय बल उत्पन्न, बल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ, इन दोनों के मध्य, किनके, तारे और सूर्य के मध्य एक ज्वारीय बल उत्पन्न होता है।
किस किस के मध्य? सूर्य, नोट करते हुए चलिएगा, सूर्य और तारे के मध्य मध्य क्या उत्पन्न हुआ? ज्वारीय बल उत्पन्न। ठीक, अब जब ज्वारीय बल उत्पन्न होगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राजपूत जी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं? ठीक, अब जब ज्वारीय बल उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से इन दोनों में उथल पुथल उत्पन्न होने लगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही ज्वारीय बल इन दोनों के मध्य उत्पन्न होगा तो इनकी स्थिति में उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगी, उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगी। है ना, इसमें क्या हो जाएगा? उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगा दोनों के मध्य। आराम से समझिएगा कि दोनों के मध्य, किसके दोनों के मध्य? सूर्य और तारे के मध्य यहां पर उथल पुथल प्रारंभ हो जाएगी। और जब यह सूर्य उथल पुथल होगा तो निश्चित रूप से जब ये तारा यहां से घूम के जा रहा है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि ये तारा क्या कह रहा है, घूम के सूर्य के पास से जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये तारा जब घूम के जाएगा तभी यहां पर ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ। अब जब ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ तो इन दोनों में उथल पुथल उत्पन्न हुई। जब इन दोनों में, सूर्य और तारे में, दोनों में उथल पुथल उत्पन्न हुई तो अगली घटना भी उत्पन्न होना निश्चित है। कुछ गैस इसकी निकलेगी, कुछ गैस उसकी निकलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थिति में यहां पर परिवर्तन होने वाला है। ठीक, जब यहां पर यह स्थिति उत्पन्न हुई तो यहां पर यह समझने वाली बात, यहां पर यह समझने वाली बात है कि अब दोनों में ही खिंचाव उत्पन्न होगा। क्या हुआ? यहां पर ज्वारीय बल उत्पन्न, ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ तारा। ठीक, इनमें ज्वारीय बल उत्पन्न हुआ तो दोनों में क्या होगा? इसमें सूर्य और आपके तारे में खिंचाव उत्पन्न होगा। क्या हो जाएगा? सूर्य में खिंचाव उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा। सेम चीज, यही चीज आपके कितने होगा? तारे में भी खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव उत्पन्न होगा, है ना, दोनों में ही खिंचाव उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। अब जब यहां पर दोनों में खिंचाव उत्पन्न होगा, बेटा इसे समझो, इसे यहां से ऐसे समझो, जब दोनों में खिंचाव उत्पन्न होगा तो निश्चित रूप से हर पिंड किससे बना हुआ है? अगर हम लोग ध्यान करें शुरुआत में तो सभी पिंड गैस से निर्मित, चाहे वो सूर्य हो चाहे कोई भी तारा हो, तो वो किससे निर्मित हुआ है? गैस और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से। किससे निर्मित हुआ है? तो ये कोई भी पिंड हो, कोई पिंड या तारे का निर्माण निर्माण गैस पदार्थों से हुआ है। ये सभी को पता है। तो सेम चीज यहां पर भी हो जाएगा। सूर्य का भी निर्माण क्या हुआ है? सूर्य का निर्माण गैस और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से हुआ है और विभिन्न
प्रकार के पदार्थों से हुआ है, इसका भी निर्माण हुआ है। दोनों की स्थिति यदि हम लोग यहां पर देखें तो आप लोगों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां पर इन दोनों की स्थितियां कैसी हैं, गैस और विभिन्न प्रकार के पदार्थों से इनका निर्माण। तो जब ये ज्वारीय बल उत्पन्न होगा तो इनमें खिंचाव हुआ, तो खिंचाव होने की दशा में क्या निकलेगा, इनके गैस के बाहर निकलेंगे, गैस सूर्य से और इस तारे से गैस बाहर या गैसीय पदार्थ बाहर निकल आएगा, क्या हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में यहां पर यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, फटाफट इसे समझते हुए चलिएगा, इससे सूर्य से और ये स्टार, इससे क्या होगा, इससे भी गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ बाहर निकल आएगा, बाहर निकल आएगा आएगा और तारे से भी गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ बाहर निकल आएगा, बाहर निकलेगा। अर्थात अब फिगर कैसा बन जाएगा, यहां पर यदि हम लोग देखें तो अब फिगर कैसा बनना है, दूसरी कंडीशन में जब गैसीय पदार्थ और ये सारी चीजें बाहर आने वाली हैं, तो यहां पर फिगर कुछ ऐसा आपका निर्मित, कुछ ऐसा आपका फिगर यहां पर निर्मित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये वाला क्षेत्र गैसीय पदार्थ, ये क्या है आपका गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ, ठीक। ये तारे का है और ये सूर्य का गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ये बाहर निकला है, ये गैसीय पदार्थ किसके कारण निकला है, ज्वारीय बल के कारण, ज्वारीय बल के कारण, कारण ये ज्वारीय बल के कारण आप लोगों का यहां पर गैसीय पदार्थ बाहर निकला। अब जब ये गैसीय पदार्थ बाबू बाहर निकला तो यहां पर ये समझने वाली बात, जब ये गैसीय पदार्थ बाहर निकला, ठीक, खींचकर बाहर निकलेगा, ठीक, तो यहां पर देखा जाए सूर्य की बात करें और तारे की बात करें, सूर्य कैसा है, विभिन्न प्रकार के कठोर तत्वों से निर्मित है, सूर्य क्या है, विभिन्न प्रकार के कठोर या भारी पदार्थों से निर्मित है, ये गैस तथा विभिन्न प्रकार के भारी तत्वों से निर्मित है, सूर्य, सूर्य गैस तथा, गैस तथा ये पहला स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, नोट करते हुए चलिएगा, गैस तथा भारी पदार्थों से, पदार्थों से निर्मित है, निर्मित है। तारा क्या है, ये गैस तथा हल्के पदार्थों से निर्मित है, यह गैस तथा हल्के पदार्थों से निर्मित है, से निर्मित है, निर्मित है, है ना, ये गैस तथा, नमस्कार वेदिका जी, ठीक, ये गैस तथा हल्के पदार्थों से निर्मित है। अब जब ये गैस तथा हल्के पदार्थों से निर्मित है तो यहां पर सोचने वाली बात क्या है, यहां पर सोचने वाली बात क्या है,
जब ये हल्के पदार्थों से निर्मित है, अर्थात अगर इस तारे से कुछ निर्माण होगा तो वो हल्के पदार्थों का निर्माण होगा, और यदि सूर्य से कुछ भी निर्मित होगा तो वो कैसा होगा, वो भारी पदार्थों से निर्मित होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हो रही है कि जो सूर्य से निर्मित होंगे वो कैसे होंगे, वो भारी होंगे। कोई भी वस्तु निर्मित होगी यदि तो वह भारी होगी, और यहां से यदि तारे से कोई वस्तु निर्मित होगी वो हल्की वस्तु होगी, है ना, हल्की वस्तु होगी। इसका मतलब है कि हमें इस पे फोकस करते हुए आगे चलो। अब आगे बढ़ते, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जब ये सूर्य है आपका, अब यहां पर समझिए, सूर्य भारी पदार्थों से निर्मित, भारी पदार्थों से निर्मित निर्मित, और इसका ये वाला भाग क्या है, यहां पर यदि हम लोग देखें तो ये क्या था, ये आपका गैसीय पदार्थ बाहर निकला था। सूर्य से क्या निकला था, गैसीय गैसीय पदार्थ पदार्थ बाहर निकला था, ठीक। अब ये गैसीय पदार्थ आगे चलकर क्या हुआ, ग्रहाणुओं के रूप में निर्मित होगा। किसके रूप में, ग्रहाणुओं के रूप में। अभी ये डायरेक्ट ग्रह का निर्माण नहीं करेगा, ये ग्रहाणुओं का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करता है, ये गैसीय पदार्थ सूर्य का गैसीय पदार्थ पदार्थ आगे चलकर ग्रहाणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ग्रहाणु ग्रहाणुओं के रूप में के रूप में परिवर्तित होता है, होता है। ग्रहाणु मतलब क्या है, ग्रह के निर्माण से पूर्व के अणु। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ग्रह के निर्माण से पूर्व के अणु, अर्थात ग्रह के निर्माण से पूर्व के अणु अणु, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रहाणु ग्रहाणु, ठीक। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रहाणु कहते हैं। इतनी चीज समझ आ रही है कि ग्रहाणु आखिर हम किसे कहेंगे, ठीक। तो अब ये गैस के पूर्व के अणु भी निर्मित हो गए, आपके ग्रह के निर्माण की अणु भी बन गए। अब यहां से क्या होगा, कुछ समय पश्चात ग्रह का निर्माण होगा, इसके कुछ समय पश्चात क्या होगा, ग्रह का या ग्रहों का निर्माण होगा, क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण होगा, ग्रहों का निर्माण होगा, निर्माण होगा। क्लियर, ये किससे बन रहे हैं, ये सूर्य से निर्मित हो रहे हैं ग्रह, किससे निर्मित हो रहे हैं,
यह ग्रह जो हैं ये सूर्य से निर्मित हो रहे हैं। अब सूर्य से निर्मित हो रहे हैं तो इनको और समझो, इनको और समझो कि ये ग्रह जिससे निर्मित हो रहे हैं वो किसके कंटेन है, वो किसके पदार्थ हैं। यदि हम लोग यहां पर देखें तो आप लोगों को स्पष्ट होता चला जाएगा। ठीक है, यहां पर देखें ये किससे, ये सारे ग्रह चारों के चारों ग्रहों की यदि स्थिति की बात करें, यहां पर ये सभी ग्रह सूर्य से निर्मित, ये सूर्य से, नोट करते हुए चलिएगा, सूर्य से निर्मित है। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ये ग्रह कैसे निर्मित हुए, किन पदार्थों से निर्मित हुए हैं? निश्चित रूप से सूर्य के द्वारा दिए गए पदार्थों से निर्मित हुए हैं। ये किससे निर्मित हो रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सूर्य से निकली हुई गैस तथा उसके पदार्थों से निर्मित हुए हैं। अब जब ये सूर्य के पदार्थों से निर्मित हुए हैं तो यहां थोड़ा दिमाग लगाते चलिएगा, उपेंद्र खुश रहो भैया, ठीक, तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगा लो, यहां पर थोड़ा दिमाग अगर लगा लिए तो ये किससे, सूर्य से निर्मित है। तो अर्थात सूर्य क्या है, भारी पदार्थों से निर्मित है। क्या है, भारी पदार्थों तथा गैस से निर्मित है। यही मैंने बताया था पहले आपको, स्टार्टिंग में ही ये चीज बताई थी कि ये गैस तथा भारी पदार्थों से निर्मित है। अर्थात ये जो ग्रह निर्मित हुए हैं, ये 1, 2, 3 और ये चौथा, चार ग्रह निर्मित हुए हैं। ये चारों ग्रह किससे निर्मित होंगे, भारी पदार्थों से निर्मित। ये चारों ग्रह का निर्माण भारी पदार्थों से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। ग्रह का निर्माण किससे हुआ है, भारी पदार्थों से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। जब भारी पदार्थों से इन ग्रहों का निर्माण हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये ग्रह कैसे हैं, ये आंतरिक ग्रह। कौन से ग्रह होंगे, इन ग्रहों को आंतरिक, क्योंकि सूर्य से निर्मित है इसलिए अंदर ही होंगे, क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ है, सूर्य से हुआ है। नोट करिएगा, इनका निर्माण सूर्य के पदार्थों से हुआ है, पदार्थों से हुआ है जिसके कारण इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर है, इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठोस क्यों है, अत्यधिक भार क्यों है इनमें, यह भी समझने वाली बात, क्यों है, क्योंकि ये सूर्य से निर्मित, इसमें गैस की मात्रा कम होकर ठोस पदार्थों की मात्रा इन ग्रहों में
ज्यादा है, इसीलिए इनको लौकिक ग्रह भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लौकिक ग्रह भी कहा गया है, ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर है कि ये सूर्य से निर्मित होने के कारण इन ग्रहों को लौकिक ग्रह भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इन ग्रहों को लौकिक ग्रह भी कहा जाता है, ठीक, या भीतरी ग्रह भी कहते हैं, या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। क्लियर, इतनी चीजें कि भीतरी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, ये मॉल्टन और चेंबरलेन ने ग्रहाणुक सिद्धांत के माध्यम से बताया कि भीतरी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। अब बाह्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये भी चीजें हम लोगों को समझने वाली, क्या है भीतरी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। अब भीतरी ग्रह का निर्माण हो गया तो बाह्य ग्रहों की बात आएगी। अब बाह्य ग्रह के निर्माण की बात कर लेते हैं। ठीक, इससे निकला हुआ जो गैसीय पदार्थ, ये तारा है जो सूर्य के बगल से गुजरा और सूर्य ने इसे अपनी प्रेमिका समझ लिया। सूर्य ने क्या समझ लिया, इसे अपनी प्रेमिका समझ लिया, इसके सहयोग में खड़ा होने का प्रयास किया, इसने उसके पिछवाड़े में आग लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि प्रेम कभी सत्य नहीं होता है और सभी लोग अपने अवसर के लिए ही आगे बढ़ते, तो नॉर्मल सी बात है, ये भी अपने अवसर के लिए ही आई थी। ठीक, इसने भी अपना अवसर निकाला और कहा कि चलो भैया अब हो गया। अब जब ये हो गया तो इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। जब घमासान युद्ध हुआ तो ज्वारीय बल, वो युद्ध ही ज्वारीय बल दोनों के बीच में कार्य कर गया। ठीक, अब इसका ये गैसीय भाग है, ये क्या है, ये इस तारे का गैसीय भाग है, भाग है। अब ये गैसीय भाग की बात करें, इस तारे का घनत्व कम है, क्या है, इसका घनत्व कम है। अब कम है तो इससे निकलने वाले पदार्थ जो ग्रहाणु भी निर्मित होंगे, वो कैसे ग्रहाणु होंगे, वो हल्के ग्रहाणु होंगे। इससे निर्मित होने वाले ग्रहाणु, इससे इससे निर्मित निर्मित होने वाले वाले ग्रहाणु ग्रहाणु हल्के होंगे। कैसे होंगे, हल्के होंगे, हल्के होंगे होंगे। क्लियर, अब हल्के ग्रहाणु हुए तो निश्चित रूप से इससे जो ग्रहों का निर्माण होगा वो कैसे हो जाएंगे, हल्के ग्रह। इससे निर्मित होने वाले, इससे निर्मित होने वाले ग्रह वाले ग्रह कैसे होंगे, हल्के होंगे। हल्के होंगे, क्लियर है, इससे निर्मित होने वाले ग्रह हल्के होंगे, अर्थात उन ग्रहों में गैस की मात्रा अधिक होगी, अर्थात इससे निर्मित ग्रहों में गैस की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक, इससे निर्मित ग्रहों में गैसीय या गैस की मात्रा ज्यादा होगी तथा यह
तथा यह ग्रह ग्रह हल्के होंगे, हल्के होंगे। ठीक, अब जब ये हल्के हैं और ये क्या है, ये बाहर बना हुआ है, क्या है, जो तारा था उसका निकला हुआ पदार्थ ये घूमते हुए बाहर निकल गया था, क्या हुआ था, ये सूर्य की सीमा से बाहर निकल गया था तब। ठीक, तो इसके गैसीय पदार्थ थे, तो इससे निर्मित ग्रह जो बने, जो इससे निर्मित ग्रह बने वो कैसे हुए, वो गैसीय ग्रह कहलाए। पहले तो ये कैसे थे, ये हल्के ग्रह थे, हल्के ग्रह थे, पहला पद। दूसरा पद, ये कहां पर बने, ये बाहर बने, इसलिए इन्हें वाह ग्रह कहा गया, इन्हें वाह ग्रह कहा गया, कहा गया। ठीक, इनको क्या कहा गया, इन्हें वाह ग्रह कहा गया या बाहरी ग्रह कहा गया। इतनी चीज क्लियर है कि इनको क्या कहा गया, वाह ग्रह कहा गया। ठीक, अब वाह ग्रह किससे निर्मित हुए थे, घूमते हुए तारे से, जो सूर्य के बगल से निकला हुआ तारा था उससे आपका वाह ग्रह निर्मित हुआ था। इतनी चीज सभी लोगों को समझ में आ गई कि हल्के ग्रह हैं इसलिए इन्हें वाह ग्रह कहा गया, और इन ग्रहों में गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इन ग्रहों में, नोट कर लीजिएगा, इन ग्रहों में गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वाह ग्रह जो निर्मित हुए, जो आपके वाह ग्रह निर्मित हुए उनकी बात करते हैं। ठीक, ये वाह ग्रह जो आपके निर्मित होते हुए आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं कि ये आप लोगों के वाह ग्रह, वाह ग्रह या बाहरी ग्रह, या बाहरी ग्रह, ये क्या हुआ, ये क्रम से ठंडे होते, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इनमें ठंडक की मात्रा बढ़ती हुई चली जाती। ठीक है, ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, ठंडक की मात्रा क्रमशः आगे जैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा की मात्रा सूर्य के ग्रहों में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होगी, और जो तारे से निर्मित ग्रह हैं वो गैसीय अवस्था के ग्रह हैं, और इनमें ऊर्जा की भी मात्रा कम होगी, इनमें क्या हो जाएगी, ऊर्जा की मात्रा कम होगी। और जब ऊर्जा की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके तापमान में भी कमी आ जाएगी। यही नॉर्मल सा सिद्धांत दिया था चैम्बरलेन ने और मोल्टन, किसने, चैम्बरलेन ने और मोल्टन का यही सिद्धांत है जो आज हम लोगों ने पढ़ा। ये चैम्बरलेन लेन और मोल्टन का सिद्धांत है, मोल्टन का सिद्धांत है ना। अब ये महाविस्फोट के सिद्धांत को कितना वास्तविक रूप से डिफेंड करता है, ये वास्तविक रूप में आपके इस सिद्धांत को कितना वैलिड कर रहा है, इस चीज को आप, जो मैंने महाविस्फोट का पहला लेक्चर लिया है उससे इसको कंपेयर करिए, क्योंकि मैंने वहां पर भी बताया कि सबसे पहले आद्य तारे का निर्माण हुआ, आद्य तारे का निर्माण हुआ,
ठीक। और यहां पर उसके बाद इसमें पुनः एक बार क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया रुकती है और उसके बाद आपके CMBR की उत्पत्ति होती है, कॉस्मेसिक आप लोगों की मैग्नेटिव आपकी रेडिएशन ठीक वो उत्पन्न होती है, कॉस्मेसिक रेज उत्पन्न होती है, तब पहली बार आपके ब्रह्मांड प्रकाश में आता है। वो स्थिति यहां से उत्पन्न होती है कि ब्रह्मांडीय तरंगे फिर कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ, वहां पर मैंने चीजें स्पष्ट की कि किस किस काल में किस किस समय में ग्रहों का निर्माण हुआ। 3.8 मिलियन वर्ष बाद आपके तारे का निर्माण होता है, फिर उसके बाद आप लोगों का 13 मिलियन वर्ष बाद आप लोगों के ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, और चैम्बरलेन और मोल्टन की सिद्धांत किस तरह से इसको वेरीफाई करते हैं, स्पष्ट करते हैं, या इनकी परिकल्पना जो है वो उस महाविस्फोट के सिद्धांत की बात को स्पष्ट करता है। ये एक एक करके हम लोग चीजें समझ रहे हैं। अब इसके बाद कल की क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा वो रसेल का द्वि आधारित सिद्धांत है। क्या है द्वि आधारित सिद्धांत, कल की क्लास में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि एक एक क्लास को आप लोग पढ़ते हुए चलें, चीजों को नोट करते हुए चलें और समझते हुए चलें, क्योंकि नोट करना समझना ये सारे आपके काम हैं। आप लोग करते चलिए, मैं एनसीईआरटी की भाषा में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, जो भाषा आप लोगों की परीक्षा के लिए उपयोगी है, जहां से आप लोग आंसर राइट करते हैं वैसी ही भाषा होगी, जो सामान्य से सामान्य भाषा आप जो समझ सकते हैं उस भाषा के साथ हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे निरंतर, और यही प्रयास हम लोगों का आगे भी चलता रहेगा, जिससे आप लोगों को समस्याएं ना आए, जितना सरल सहज हो सकेगा मेरी तरफ से मेरा प्रयास आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। चलिए थैंक यू, मिलता हूं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।